27 मार्च 2022 को जो एक रिटन टेस्ट होता है उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, और आपको एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। ये एसआईटी इस सारी